welcome to my class in microsoft excel program there are number of lookup and reference functions given to us here a list of all lookup and reference function is given to you all functions listed here are discussed in separate video lectures let us start इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वी लुकअप एंड चूज फंक्शन की दिस इज पार्ट वन आइएगा मूव करते हैं इन दोनों फंक्शंस के ऊपर इन फंक्शंस को मैं इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर इकट्ठा टेकअप करूंगा इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया सो एज टू सेव टाइम सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर की जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर मेरे पास तीन कॉलम्स बने हुए हैं फर्स्ट इज सीरियल नंबर सेकंड इज प्रोडक्ट नेम यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं द थर्ड कॉलम इज़ प्राइस, दिस इज इन रुपीस और यहाँ पर हमें कुछ अमाउंट की फिगर्स दी गई हैं ये सारा डेटा आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप किया गया है जैसा कि मैंने कहा कि मैं दो फंक्शंस को इकट्ठा टेकअप करूंगा चूज और वी लुकअप इस जगह के ऊपर इनका सिंटेक्स दिया गया है चूज फंक्शन के अंदर बेसिकली दो आर्गूमेंट्स मैंडेटरी हैं द फर्स्ट वन इज इंडेक्स नंबर एंड द सेकेंड वन इज वैल्यू उसके बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं बट दीज आर ऑप्शनल द नेक्स्ट वन इज वी लुकअप वी लुकअप के अंदर हमारे पास तीन मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं द फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू द सेकेंड इज टेबल एरे द थर्ड वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल आर्गूमेंट है रेंज लुकअप मैं इस जगह के ऊपर चार डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करके दिखाऊंगा सम फंक्शन मीन मैक्स एंड एवरेज इन फंक्शंस को टेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं लिस्ट कमांड को यूज करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं लिस्ट कमांड को यूज करूँगा मैं कलर दे देता हूं सो so दैट इसको पहचाना जा सके हमने यहां पर ये ऑरेंज कलर दे दिया इस जगह के ऊपर मैं लिस्ट कमांड को इंप्लीमेंट करूंगा आई गो टू डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं लाओ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को चूज करता हूँ सोर्स कमांड के अंदर मैंने ये चारों फंक्शंस के नाम दे दिए आई से ओके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा ट्रैंगल बन के आ गया मैं एक कलर दे देता हूँ सो दैट इट बिकम्स वेरी मच विजिबल टू यू इस ट्रेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कोई भी फंक्शन को यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं मैंने इसका फोन साइज इंक्रीज कर दिया आई कैन चेंज एनी ऑफ दीज फंक्शन हमने यहां पर लिस्ट कमांड को क्यों लिया मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चूज फंक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर चाहिए ये इंडेक्स नंबर मैं वी लुकअप फंक्शन की मदद से लूंगा इस जगह के ऊपर मैं चूज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ इक्वल्स टू चूज चूज फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला आर्गूमेंट है इंडेक्स नंबर आप हमें नंबर दीजिए इस नंबर को निकालने के लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेक अप करूंगा लुकअप के फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू इस केस के अंदर सम का नंबर मुझे निकाल के दो मैंने D3 थ्री यहां पर दे दिया कॉमा इस पर्टिकुलर सम फंक्शन के नंबर को आप किस टेबल के अंदर देखना चाहते हैं दिस इज माई टेबल दिस इज टेबल एरे द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स इस टेबल के अंदर सेकेंड कॉलम के अंदर इस नंबर को देखो कॉमा जैसे मैंने कोमा लगाया मेरे पास रेंज लुकअप के केस के अंदर दो आर्गूमेंट्स आ गए ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं फॉल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ पेरेंथिस क्लोज वी लुकअप फंक्शन यहां पर मेरे को इंडेक्स नंबर निकाल के देगा अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहां से चूज फंक्शन को अभी हटा रहा हूं और अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर सम है तो यहाँ पर नंबर वन है मैं मिन करता हूँ तो यहाँ पर नंबर टू हो गया मैं यहाँ पर मैक्स करता हूँ तो यहाँ पर नंबर थ्री हो गया ये हमारे पास वी लुकअप का फंक्शन काम कर रहा है अब इसके अंदर मैं उसी तरह से चूज फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ लुकअप का फंक्शन हमें इंडेक्स नंबर निकाल के देगा अगर इंडेक्स नंबर वन आता है तो उस केस के अंदर सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो मैंने सम के फंक्शन को लिख के पेरेंथीसिस को यहां पे स्टार्ट कर दिया और मैं ये प्राइस की कंप्लीट रेंज को दे रहा हूं सी थ्री टू सी ट्वेल्व अगर यह वी लुकअप का फंक्शन हमें नंबर टू निकाल के देता है तो उस केस के अंदर मिन फंक्शन को टेक अप करो मैंने मिन फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर कंप्लीट प्राइस की रेंज को दे दिया कॉमा अगर वी लुकअप हमें यहां पर थ्री नंबर निकाल के देता है उस केस के अंदर मैक्स के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो मैक्स के फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर मैंने यह कंप्लीट प्राइस की रेंज को दे दिया पेरेंथिस क्लोज कॉमा अगर वी लुकअप हमें यहां पे नंबर फोर देता है तो उस केस के अंदर एवरेज फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो एवरेज पेरेंथिस स्टार्ट मैंने ये प्राइस की कंप्लीट रेंज को दे दिया स्टूडेंट ध्यान देंगे अभी मैंने एवरेज के फंक्शन को क्लोज किया है अब मैं आपके सामने इस चूज फंक्शन के पेरेंथिस को क्लोज करने जा रहा हूं आई प्रेस जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई दिस वैल्यू इज सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहां पे कर रहा हूं सो दैट इट बिकम्स वेरी मच प्रोमिनेंट टू यू चूज के जिस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपको इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ आई इंक्रीज द फोन साइज सो दैट दिस बिकम्स विजिबल टू यू स्टूडेंट अब इसको देखिएगा मैं सम पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये पूरी रेंज का सम आ गया इफ आई क्लिक ओवर मिन तो मेरे पास इस रेंज में से मिनिमम अमाउंट निकल कर आ गया इफ आई क्लिक ओवर मैक्स तो मेरे पास यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अगर मैं इन सभी प्रोडक्ट की एवरेज को निकालना चाहूं तो मेरे पास ये एवरेज का अमाउंट आ गया आप देखिएगा कि हमने यहाँ पर दो फंक्शंस को इकट्ठा यूज़ किया है चूज एंड वी लुकअप चूज़ के केस के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट इंडेक्स नंबर था इस इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए मैंने वी लुकअप फंक्शन की मदद ली वी लुकअप मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकाल के देता है तो चूज फंक्शन क्या करता है अगर तुझे नंबर वन पे दिया गया है तो सम को इम्प्लीमेंट कर दो अगर नंबर टू आ रहा है तो सेकंड वाला इम्प्लीमेंट कर दो अगर नंबर थ्री आ रहा है तो थर्ड वाला इम्प्लीमेंट कर दो एंड सो ऑन ये हमारे सामने दो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस को हमने यहाँ पर कंबाइन किया है स्टूडेंट सिंप्लिसिटी से यहाँ पर मैंने सिर्फ ये चार फंक्शन लिए हैं लेकिन आप इसको और भी फंक्शंस यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को अगर हम यूज़ करें तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इम्प्रूव कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू डू नंबर ऑफ थिंग्स इन एक्सेल प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच